नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, कुछ औजारों की बात करेंगे जिससे कि रुद्राक्ष के अंदर और रत्नों के अंदर छेद किए जाते हैं। जैसे कि हमको कई बार पैंडल बनाना होते हैं रुद्राक्ष के, या रत्नों की माला बनानी होती है, उसके पैंडल बनाने होते हैं, तो हमें उसमें एक होल करने की, सुराख करने की ज़रूरत होती है। तो वो किस प्रकार से किया जाता है, इसको आप प्रोफेशनल भी सीख सकते हैं और इसको आप अगर जब ज़रूरत हो तब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको काम आएंगे, और अभी हम पूरा प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे इसमें कि किस तरीके से आप उसके अंदर होल कर सकते हैं। तो देखिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, और ये वो जो पूरा सेट है ये आपको हमारे पास मिल जाएगा। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर पर संपर्क करना है और हम आपको ये कोरियर के माध्यम से भेज देंगे। तो सबसे पहले ये एक जो होता है बेस होता है, ये वुडन बेस होता है जिसका यूज़ किया जाता है। अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। ये दो तरफ से इसके अंदर लकड़ी लगी होती है, बीच में स्प्रिंग लगी होती है। इसके बाद एक आपको इस तरह का एक, जिसको हम पिंचिस भी कहते हैं और साथ में चुग्गा भी कहते हैं, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी जो साइज है करीबन पाँच से छः इंच की साइज होती है, उसमें काम हो जाएगा। इसके बाद ये जो है आपको, ये मेन है, ये ड्रिल है, इसको कहते हैं ड्रिल, जिससे कि रुद्राक्ष में और रत्नों में हम छेद करेंगे। तो इस तरह की आपको एक ड्रिल, और उसके बाद ये जो है ये दूसरी ड्रिल, और ये वाली तीसरी ड्रिल, ये स्प्रिंग ड्रिल होती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपको बड़ी छोटी अपने आप हो जाती है। ये देखिए इस प्रकार से इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, तो ये जब हमने इसको दबाया तो ये छोटी हो गई और ये स्प्रिंग से बड़ी हो गई। तो ये खास तौर पर रत्नों के लिए काम आती है। और ये जो दूसरी ड्रिल है, ये वाली और ये वाली, ये रुद्राक्ष के लिए काम आती है। और इसके बाद में ये जो सेट मिलता है आपको, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ड्रिल भी मिलती है, क्योंकि जब हम इन ड्रिल्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो है ये बीड है, ये जो आपने देखा अभी, ये ड्रिल है और ये बीड्स है इसकी। जिस प्रकार हमारे घर में जो ड्रिल मशीन होती है तो उसके लिए भी जो बीड्स आती है, तो ये बीड्स उससे अलग होती है, वैसी नहीं होती है। आपको दिखने में सिमिलर लगेगी लेकिन ये अलग तरह की होती है। ये उतनी मोटी नहीं होती है और उतनी कठोर भी नहीं होती है, क्योंकि इतनी कठोरता कि हमें रुद्राक्ष में और रत्नों में ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थोड़ी सी उससे सॉफ्ट होती है। तो इसकी जो रुद्राक्ष की बीड है, ये जो रुद्राक्ष की जो ड्रिल है, ये हैंडमेड ड्रिल है। ये जो भी करना है हमको हाथ से ही काम करना है, इसके अंदर हमें कोई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो रुद्राक्ष की रत्नों की ड्रिल है ये अलग होती है, तो इसकी बीड्स भी अलग आती है। तो कुछ आपको यहाँ पे बीड्स का सेट भी मिल जाता है, क्योंकि जब आप इन बीड्स का, इन ड्रिल का यूज़ करेंगे तो ये जो ड्रिल है इसकी धार खत्म होती जाएगी और ये टूटती भी जाएगी यूज़ करते करते। कोई भी प्रकृति का नियम है, जिस चीज़ से हम काम लेते हैं उसका डेप्रिसिएशन उस पर लगता है, उसमें कमी आती जाती है। तो जब ये टूटेगी, ख़राब होगी, तो आपको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ साथ में एक्स्ट्रा ड्रिल भी आ जाती है। तो अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होगा, अब आपको वो बताते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम किसी रत्न में, रुद्राक्ष में छेद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो लकड़ी का बेस है, वुडन बेस, इसको लेना है। और इसको क्या करना है, यहाँ से ये जो इसके नट है, इन नट को यहाँ पे लूज़ करना है। तो इसके लिए आपको ये प्लायर चुग्गे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर से इसको लूज़ किया, थोड़ा थोड़ा सा इसको लूज़ कर लिया हाथ से, प्लायर से, दोनों से इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब ये जब लूज़ हो जाता है तो आपको ये वाली जो बीड ड्रिल है, अभी ड्रिल के अंदर बीड हमने नहीं लगाई, आप देख सकते हैं दोनों तरफ ड्रिल नहीं लगी, तो इसको आपको इसके अंदर डालना है और इसको सेंटर में लेके आना है। दोनों तरफ से आप सेंटर में लेके आ गए, इसमें आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये इसका सेंटर माना जाता है, ये वाला जो हिस्सा है। तो आपको जब लकड़ी के बेस के अंदर आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे इसको बीच में सेंटर में लेके आना है। तो ये बीच में सेंटर में लाने के बाद में आपको इसको अब टाइट करना शुरू करना है इस तरीके से। पहले से थोड़ा सा हाथ से करना है, और जब एक थोड़ी सी ग्रिप बन जाए आपकी, ग्रिप बनने के बाद में इसको आपको चुग्गे से करना है, या प्लायर, पिंचिस, हम कुछ भी कह सकते हैं। इसके साथ इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर लीजिए, ताकि ये जो ड्रिल है ये हिले ना, क्योंकि अभी जब हम अगला काम करने वाले हैं उसके लिए, इसका अगला जो काम करने वाले हैं उसके लिए इसको टाइट करना ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं ये लकड़ी के
हफ्ते के अंदर ये जो है ये पूरा फिक्स हो गई है हमारी ड्रिल, यहाँ से भी दोनों तरफ से। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसके अंदर हमें ड्रिल फिट करना है। तो ड्रिल फिट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इसको लूज करना है, इस हिस्से को लूज करिए। और अगर ये हिस्सा टाइट हो तो ये भी आप, ये जो चुग्गा है चुग्गे से इसको आप लूज कर सकते हैं। इसको आप लूज करिए, इसके अंदर से इसको होल्डर को निकालिए, इसको बोलते हैं बीट्स का होल्डर। ये हमने निकाला। अब इस होल्डर के अंदर आप देखेंगे तो एक तरफ आपको कम स्पेस दिखेगा, यानी कि छोटा सा एक होल दिखेगा, और एक तरफ आपको थोड़ा सा बड़ा वाला होल दिखेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई बड़ी ड्रिल लगानी है तो यहाँ पे बड़ी ड्रिल यहाँ लगेगी और छोटी बारीक वाली ड्रिल जो है वो यहाँ पे लगेगी, जो बीट्स होती है इसकी। तो अब हम इसके अंदर एक बीट्स को फिट करेंगे। बीट्स को फिट करने के लिए ये देखिए, जैसे कि हमने एक आपको पहले ही बना के यहाँ पे बताई हुई है, ये जो है इसी तरीके से जो भी हम आपको ये वाली जो बीट्स फिट करना बताएंगे वैसे के वैसे ही हमने ये पहले से एक बना के रखी है, जिसके अंदर से ये बड़ी हमने यहाँ पे बीट्स लगाई है और ये फिर मीडियम वाली लगाई है। अब हम छोटी वाली बीट्स को यहाँ पे फिट करेंगे। वो कैसे करना है, तो छोटी वाली बीट्स को फिट करने के लिए हमको ये जो कम स्पेस वाला होल है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत होगी। यहाँ पे इसको हम बीट्स को थोड़ा सा लगा देंगे इस तरीके से अंदर, इसको आपको थोड़ा सा दबाना रहेगा होल पर लाने के बाद, तो ये इसके अंदर चली जाएगी। अब जैसे कि इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो जब जैसे कि ये जो होल्डर होता है, होल्डर का छेद अगर छोटा होता है तो इसको बड़ा करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट साथ में आता है, इसको ओपनी बोलते हैं। ये ओपनी की तरफ से यहाँ से ये जो एक धार जैसी बनी होती है और ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, तो हम क्या करेंगे कि ओपनी से इस छेद को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब बड़ा करने के बाद में आपकी ड्रिल बहुत जल्दी से फिट हो जाएगी। बस ये ड्रिल आपने डाली और ये देखिए ड्रिल इसके अंदर फिट हो गई, जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। अब इसको आपको वापस से इस ड्रिल में डालना है, इस होल्डर को, और ये जो इसका क्लोज है, ये जो इसका बटन है जिससे कि इस ड्रिल को हम क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से नट है, नट भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ से इसे बंद किया। बंद करने के बाद हाथ से जितना टाइट करना कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्रिल है, ये ड्रिल को आपको थोड़ा सा करीबन 25% ही इस होल्डर के अंदर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो रुद्राक्ष रहेंगे रुद्राक्ष के आर पार नहीं हो पाएगा साइज कम होने के कारण। तो थोड़ा सा 25% यानी इतना सा डाल दिया सिर्फ इतना सा, और बाकी बाहर रहने दिया। इसके बाद इसको यहाँ पे हाथ से इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो चुग्गा है आपका, चुग्गे से इसको पकड़ के यहाँ से टाइट करना शुरू करा, यहाँ पे टाइट करा आपने। अब इसको इतना टाइट करिए कि लगने लग जाता है हमको कि हाँ इससे ज़्यादा टाइट नहीं हो पाएगा, बस इतना टाइट कर दिया और छोड़ दिया। तो ये आपकी जो बीट्स है ड्रिल में फिट हो गई है। अब दूसरे तरफ के हिस्से की बात करते हैं। दूसरे के तरफ भी आपको देखिए, एक तो बड़ा होल मिल जाएगा बड़ी ड्रिल लगाने का और एक छोटा होल मिलेगा। तो इस तरफ भी जो है आप दूसरी वाली ड्रिल लगा लीजिए, क्योंकि ये दो दो ड्रिल के लिए सेट आता है, एक बड़े के लिए एक छोटे के लिए। लेकिन हम जैसे कि इस ड्रिल में एक बड़ा और एक छोटा पहले से लगा चुके हैं, मीडियम वाला और बड़ा वाला, तो अब ये जो दूसरी ड्रिल है इसके अंदर हम एक बड़ा और एक दोनों छोटे लगा लेंगे, क्योंकि हमको यूज़ आता रहेगा। तो इसके अंदर हमको ओपनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसके अंदर इतना बड़ा होल पहले से था कि उसके अंदर हमारी बीट्स चली गई। बीट्स हमने बस थोड़ी सी इंटर, इतनी सी इंटर करना है अंदर, बस इतनी सी। उसके बाद में ये जो इसका नट है ये आप लगा दीजिए इसके अंदर, इसको हाथ से टाइट कर दीजिए। हाथ से टाइट करने के बाद में, वैसे तो आप जो हमसे सेट लेंगे हम आपको पूरा रेडी करके ही देंगे, लेकिन आप जब बीट्स बदलेंगे इस ड्रिल की, उसके लिए हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको कैसे बदलना है। शुरू में तो हम पूरा सेट बना के देंगे आपको। यहाँ से इसको चुग्गे से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में अब इसको हमको लूज करना है, ये जो हमने टाइट करे थे, क्योंकि आप इसको लूज नहीं करेंगे तो ये ड्रिल बाहर ही नहीं निकलेगी। इसको आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए चुग्गे से, बाकी हाथ से हो जाएगा हमारा काम। इसके बाद ये देखिए ये खुल जाता है, ये लूज हो गया और ये हमारी ड्रिल बाहर निकल गई इससे। अब ये हमारे पास में एक दोनों छोटे वाली ड्रिल तैयार हो गई, और एक बड़े वाली, मीडियम वाली और एक बड़ी वाली ड्रिल तैयार हो गई, क्योंकि रुद्राक्ष की जो होल होते हैं उसकी साइज के अनुसार अलग अलग ड्रिल आपको
अलग अलग बीट्स आपको काम आने वाली है, अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके आगे बताएंगे। अब इसके बाद ये वाली बात करते हैं जो स्प्रिंग वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये रत्नों में काम आता है। ये जो है, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग रत्नों के लिए काम आती है। अब इसको कैसे फिट करेंगे, इसके अंदर बीट्स कैसे डालना है, तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा जो है आपका गोल वाला, इसके अंदर जाएगा। इसके अभी सेम प्रोसेस है, इसके अंदर भी आपको एक होल्डर मिलेगा, ये है इसका होल्डर। होल्डर के अंदर आपको सबसे पतली वाली जो बीट्स है वो इसके अंदर लगेगी। ये वाली इतनी पतली होती है कि ये जो हमने पहले वाली लगाई थी इससे भी ज़्यादा पतली होती है। इसके अंदर ये वाली जो रत्नों में, क्योंकि रत्नों में क्या होता है, रत्न की जो माला बनती है वो तार लगा के बनती है, तो उसमें बड़े छेद की आवश्यकता नहीं होती, छोटे से छेद में ही काम हो जाता है। तो सबसे बारीक वाली जो बीट्स है वो इसमें काम आती है। और स्प्रिंग का क्यों यूज़ होता है, स्प्रिंग का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि रत्नों में ज़्यादा जोर ना लग जाए और रत्न टूट ना जाए, इसलिए वो स्प्रिंग जो है उसके प्रेशर को कम ज़्यादा करती रहती है जब हम होल करते हैं। इसलिए ये स्प्रिंग वाली जो ड्रिल है ये स्पेशली रत्नों के लिए बनी हुई है। अब इसके अंदर ये जो होल्डर है, सबसे पहले होल्डर में इसका 25% हिस्सा हम अंदर डाल लेंगे। इसमें भी अगर नहीं डलता है तो ये ओपनी जो है, ओपनी है ही हमारे पास, ओपनी से हम इस तरफ से छेद कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डाल देंगे। ओपनी का देखिए दूसरी तरफ का हिस्सा भी यूज़ आता है कभी कभी जब हमें बड़ा वाला छेद करना होता है। ये करने के बाद में होल्डर को इस पर लगा दीजिए और ये जो इसका नट है, इसको नट जिसको हम क्लोज भी बोलते हैं, इसको यहाँ से टाइट कर दीजिए। अब इसके अंदर जो खास बात है स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग जो ड्रिल है इसके अंदर जो आपको बीट्स लगाना है, इसके लिए आपको लकड़ी के बेस की, इसको सुगना भी बोलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही काम हो जाएगा। बस ये लगा दिया इसके स्प्रिंग के अंदर और इसको आप कर दीजिए थोड़ा सा और चुग्गे से टाइट। अब ये आपकी फिट हो गई। तो आपके पास कितनी तरह की ड्रिल हो गई, एक ये स्प्रिंग वाली ड्रिल हो गई है, ये वाली, साथ में आपके पास दो बारीक वाली ड्रिल हो गई। ये बारीक वाली में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ी ज़्यादा बारीक है, ये उससे थोड़ी सी मोटी है। और एक आपकी मीडियम वाली हो गई और एक आपकी सबसे बड़ी हो गई, यानी कि आपके पास 5-5 वेराइटी हो चुकी है। यहाँ पर 5 वेराइटी की ड्रिल आपके पास हो चुकी है अलग अलग छेद करने के लिए। अब हम तैयार हैं रत्न में, रुद्राक्ष में। ये हमारे पास ओपनी हो गई, ये हमारे पास चुग्गा हो गया और ये लकड़ी का बेज जिसको सुखना गलते हैं ये भी हो गया, और ये थोड़ा सा रुद्राक्ष, ये जो बीट्स का जो सेट अलग से आता है वो भी हो गया। अब हम छेद किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रुद्राक्ष हैं। ये बड़ा रुद्राक्ष है, ये करीबन 15-20 mm का दाना है, और ये छोटा रुद्राक्ष है, ये 3-4 mm का दाना है। अब छेद किस तरीके से करेंगे, तो ये हमने रुद्राक्ष हाथ में लिया छोटा वाला, ये जो 2-4 mm का है। अब सीधी सी बात है कि रुद्राक्ष के होल को देखिए आप, जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो रुद्राक्ष के हैं ये सब में होल करे हुए हैं पहले से, तो अभी हम आपको प्रैक्टिकल समझा देते हैं, हम समझ जाएंगे। हमने पहले से होल करके रखे हुए हैं क्योंकि हमको माला तैयार करनी है इसकी, और ये जो बड़े दाने इसमें भी है होल करे हुए हैं। अब ये जो 4 mm का दाना है इसका होल ही इतना छोटा होता है कि अगर इसके अंदर हम इस बड़े साइज के ड्रिल को लगाएंगे तो दाने के अंदर ये जाएगा ही नहीं, आर पार ही नहीं होगा। और अगर हमने प्रेशर लगाने की कोशिश करी ज़बरदस्ती तो ये दाना रुद्राक्ष का दाना ही टूट जाएगा। तो होल के हिसाब से हमको यहाँ पे ड्रिल पसंद करना है, क्योंकि हमारे पास 5-5 वेराइटी ही इसलिए है ताकि होल को देखते हुए हम उस ड्रिल का चुनाव करें कि किस ड्रिल की ज़रूरत है, किस बीट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये बारीक दाना है, तो एक बार हम कोशिश करके देखते हैं। ये जो रत्नों की ड्रिल है, रत्नों की ड्रिल खैर यहाँ पर इस छोटे वाले 4 mm के रुद्राक्ष में कोई आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है इस वाली बीट्स की, ये जो हमने आपके सामने भी पूरी सेट करके दिखाई थी। तो इसके अंदर भी देखिए एक सबसे छोटी वाली है, बारीक वाली है, और एक थोड़ी सी उससे बड़ी वाली है। तो बारीक वाली से ट्राई करते हैं क्या ये दाना के आर पार जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल चला गया। तो आपको डिपेंड करता है, आपको होल देखने के बाद में फिर इन बीट्स का, रुद्राक्ष के ड्रिल का चुनाव करना है कि कौन सा रुद्राक्ष का छेद किस ड्रिल से हो जाएगा। तो ये बस ऐसे करना है। और इसको करना कैसे होता है, यहाँ पे आपको रखना है और इसको हाथ से घुमाते जाना है। आप हाथ से घुमाते जाएंगे तो आपको एक फीलिंग आती जाएगी कि लकड़ी के अंदर छेद होना शुरू हो गया है, और यहाँ से उसकी फांस और लकड़ी के टुकड़े भी बाहर गिरना शुरू हो जाएंगे, और प्रेशर आपके हाथ में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम किसी चीज़ को धकेलते हैं तो जो एक प्रेशर बनता है
वो बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके आपकी बेड्स रुद्राक्ष की दूसरी तरफ चली जाएगी बस। और अब इसको निकालने का तरीका, ऐसे ही उल्टा घुमाते हुए बाहर ले आइए तो ये रुद्राक्ष का छेद हो गया। अब बड़े रुद्राक्ष में क्या होगा, बड़े रुद्राक्ष में छेद करने के लिए सबसे बड़ा नियम है, छोटे रुद्राक्ष के अंदर बड़ी वाली ड्रिल का उपयोग नहीं होगा ये नियम है, लेकिन बड़े रुद्राक्ष के अंदर छोटी वाली ड्रिल का उपयोग बिल्कुल होगा, रत्न वाली से नहीं करना है। ये जो हमारी छोटी वाली जो ड्रिल है इसका जो छोटा भाग है आपको क्या करना है, क्योंकि बड़े रुद्राक्ष में जब भी आप बड़ी ही ड्रिल से छेद करने के लिए लग जाएंगे तो आपका रुद्राक्ष का दाना प्रेशर पड़ने के कारण टूट जाएगा वहां से। तो आपको सबसे पहले छोटे वाली ड्रिल से, छोटी वाली बीट्स से छेद करना है। जैसे कि ये जो बारीक वाली है, एक बार इससे छेद कर लिया तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाती है। देखिए होता क्या है, रुद्राक्ष का दाना पूरा भरा हुआ होता है जब हम इसको फल से निकालते हैं, इसके ऊपर इसकी पूरी झिल्ली बनी होती है, इसके अंदर लकड़ी फंसी हुई होती है, तो इसके अंदर हमको पहले होल बनाना होता है। तो पहले एक बारीक होल बना लिया, बारीक होल बनाने पे क्या होता है, इसके अंदर जो भी लकड़ी वगैरह फंसी होगी वो नीचे गिर जाएगी और आपको एक आरपार देखने का एक होल मिल जाएगा। तो पहले इससे कर लिया, उसके बाद फिर ये वाली जो ड्रिल है ये तो बहुत जल्दी से हो जाएगी, क्योंकि जब पहली ड्रिल छेद कर देती है तो दूसरी ड्रिल जल्दी से छेद कर देती है और ये देखिए आरपार हो जाती है। जब आप इन दोनों ड्रिल से छेद कर लें उसके बाद में फिर आपको ये जो मीडियम वाली ड्रिल है इससे आपको छेद करना है। अब इससे इस प्रकार से छेद करना है, ये देखिए यहाँ पे ये प्रेशर लगाया हमने और यहाँ से छेद किया इसको और इसके पार हमारी ये ड्रिल चली गई, यानी कि इस रुद्राक्ष में छेद हो गया है। इसको आप निकाल लीजिए, 15 से 20 mm का जो दाना है उसके अंदर नॉर्मली आपकी मीडियम वाली ड्रिल से छेद हो जाएगा, और जो इससे बड़े दाने जो होते हैं यानी कि 25 mm 30 mm में, उसमें आपको सबसे बड़ी वाली ड्रिल की ज़रूरत होगी। अब अगर इस सबसे बड़ी वाली ड्रिल को मैं 15 से 20 mm दाने के बीच में मैं लगाने की कोशिश करूंगा तो छेद तो हो जाएगा लेकिन रुद्राक्ष एक तो टूट भी सकता है, साथ में रुद्राक्ष खंडित भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास की परत भी निकलने लग जाएगी और आपका समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो बड़ी वाली ड्रिल का उपयोग 25 से 30 mm दाने के लिए करें, इसलिए 5 प्रकार की ड्रिल का सेट आता है साथ में हर दाने की साइज की अनुसार। तो ये मीडियम वाली ड्रिल का आपको यूज़ करना है। ये करने के बाद में यहाँ पे आपके ये दोनों तरह के छेद हो जाएंगे। और रत्नों के लिए ये वाली जो स्प्रिंग वाली ड्रिल है, रत्नों को हाथ में ले लिया, धीरे धीरे इससे ड्रिल करते रहे और इससे करने के बाद में उसमें भी आपका छेद हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसीजर है किसी भी रत्न में रुद्राक्ष में छेद करने का वो हो जाता है और इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। ये जो पूरा सेट है ये कितनी प्राइस में आता है वो हम आपको बता देंगे, आप हमारे कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए और ये पूरा सेट आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, इसके अंदर ये जो है वुडन बेस होता है, इसको सुकना भी बोलते हैं, एक चुग्गा भी मिलेगा आपको, दो तरह की जो इसके अंदर ड्रिल मिलेगी, नॉर्मल ड्रिल, एक स्प्रिंग वाली ड्रिल मिलेगी और एक यहाँ पे ओपनी भी मिल जाएगी, क्योंकि जब छेद करने के लिए जो होल्डर है होल्डर में छेद करने के लिए तो इस तरफ से हो जाएगा, और कुछ इसके अंदर रुद्राक्ष की बीट्स के अलग से सेट भी मिल जाएंगे। लगभग जैसे कि ये जो बड़ी वाली ड्रिल है इसका ये दो सेट मिलते हैं आपको, मीडियम के दो मिल जाएंगे और ये जो बारीक वाली है इनके भी दो दो मिल जाएंगे, और ये जो रत्नों के अंदर लगेगी इसके अंदर एक लगी आएगी और एक साथ में मिल जाएगी। और इसके बाद भी अगर आपकी ड्रिल वगैरह टूट जाती है तो आप अलग से हमसे ड्रिल परचेस कर सकते हैं, कभी कभी कभार काम करने में हमारी ये ड्रिल भी टूट जाती है तो ड्रिल भी आप अलग से ले सकते हैं, और इसकी बीट्स तो यूज़ करते करते टूट भी जाती है, ख़राब हो जाती है तो अलग से ले सकते हैं, वो भी जब आपका सेट जो हमने दिया है वो भी ख़त्म हो जाए तो आप अलग से ले सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे हमारे नंबर्स पर और इस पूरे सेट को लेने के लिए। इसको हैंडमेड ड्रिल सेट बोलते हैं, फॉर जेमस्टोन एंड रुद्राक्ष फॉर होल पर्पस। तो आप संपर्क करिए। ओम नमः शिवाय।